गुड मॉर्निंग। बोर्ड क्लियर है क्या सबको? हेलो हेलो। हेलो, बोर्ड क्लियर है सबको? ओके यस ओके, थैंक यू। कल हमने वेक्टर के एडिशन पार्ट को कर लिया था, आज हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दो तरह के कार्टेशियन प्लेन होते हैं। आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सेस में अगर ये पॉइंट हो गया आपका एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपकी होती है एक्स एंड ये डिस्टेंस होगा आपका वाई, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ, मैंने कल आपको बताया था, एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं आई कैप, आई कैप। और वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड जे कैप। तो अगर मुझे ये वेक्टर चाहिए तो क्या हो जाएगा ये वेक्टर? एक्स मैग्नीट्यूड आई कैप डायरेक्शन, तो दिस वेक्टर इज एक्स आई कैप। एंड वॉट इज दिस वैक्टर? दिस इज सिमिलरली वाई जे कैप। सो वॉट इज दिस वैक्टर? पोजिशन वैक्टर। आर पोजिशन वैक्टर का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का सेंटर के अबाउट जो पोजिशन, जो वैक्टर होगा दैट इज कॉल्ड पोजिशन वैक्टर। तो पोजिशन वैक्टर आर आपका होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा, ये आप पढ़ चुके होंगे हाई स्कूल में कोऑर्डिनेट, तो उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे एक पोलर फॉर्म आता है, ये आपके लिए नया होगा। पोलर फॉर्म में क्या होता है, आपको कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई के टर्म में नहीं दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं आर, डिस्टेंस आर, और वो जो पोजिशन वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल बना रही है थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट आता है आपका आर कॉमा थीटा, दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। सेंटर से इसका डिस्टेंस हो गया आर और एंगल जो बना रहा है दैट इज थीटा, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर, पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? आर कॉमा थीटा। अब कोऑर्डिनेट एक्सेस में इसका कोऑर्डिनेट था एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। मेरा यहां पे काम क्या है, मैं एक्स कॉमा वाई एंड आर थीटा में रिलेशन निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ऑफ कोर्स अगर ये कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा पोलर में तो ये हो जाएगा एक्स डिस्टेंस एंड ये हो जाएगा वाई डिस्टेंस, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, अब इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को देखिए, और इसको मैंने इधर ड्रॉ कर दिया। दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, दिस इज द आर, दिस इज द थीटा। तो व्हाट इज द साइन थीटा? साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर। एंड व्हाट इज द कॉस थीटा? कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस हुआ एक्स बाई आर। तो यहां से वाई क्या हो गया? वाई इक्वल टू हो गया आर साइन थीटा एंड एक्स इक्वल टू हो गया आपका आर कॉस थीटा। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको एक्स कॉमा वाई चाहिए तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है
आर थीटा के फॉर्म में दे रखा है, ये डिस्टेंस आर दे रखी है और ये एंगल थीटा दे रखा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका आर कॉस थीटा, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका आर साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे आर का एक्स कंपोनेंट, एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे आर का वर्टिकल यानी वाई कंपोनेंट। क्लियर? तो जिस साइड थीटा है उस साइड का कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और जिस साइड थीटा नहीं है उस साइड का कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। क्लियर? एक क्वेश्चन कीजिए, इस पे छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये डिस्टेंस हो गई 10 मीटर, और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट इज द x एंड y कोऑर्डिनेट्स, x एंड y कोऑर्डिनेट्स का आंसर लिखना है आपको। x cos theta तो x इज द cos 30 का है, 10 cos 30 एंड y इज द 10 sin 30 डिग्री। क्लियर है? तो x कॉमा y कितना हो गया 10 cos 30 कॉमा 10 sin 30। cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो 10 इंटू √3/2 कॉमा 10 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 5√3/5। ओके, 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 इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए आपका ये पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है 10 और एंगल दे रखा है आपका 60 डिग्री। ठीक है, 10 कॉमा 60 डिग्री पोलर फॉर्म में दे रखा है ये। ठीक है, तो आपको ये पोजीशन वेक्टर r पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस है y, तो पोजीशन वेक्टर आर हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। व्हाट इज द एक्स, एक्स इज द 10 कॉस 60 एंड व्हाट इज द वाई 10 साइन 60। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमें पता चल चुका है कि अगर ये थीटा है तो ये एक्स कंपोनेंट होगा आपका आर कॉस 60 एंड वाई कंपोनेंट होगा आपका आर साइन 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3। ठीक है, तो ये वेक्टर r क्या हो जाएगा इस केस में, ये वेक्टर r हो जाएगा आपका x कंपोनेंट, व्हाट इज द x कंपोनेंट 5 i कैप प्लस व्हाट इज द y कंपोनेंट 5√3 j कैप। ओके, ओके, एडिशन में एक वेक्टर आर दे रखा है आपको, वेक्टर आर गिवन है 3i कैप + 2j कैप। ठीक है, आर वन, और आर टू दे रखा है आपका 7i कैप + 9j कैप। ये कल मैंने आपको बताया था, तो पोजीशन आपका एडिशन वेक्टर क्या हो जाएगा r = r1 + r2, अगर दोनों को ऐड करना है तो r1 + r2 हो गया, तो
तो दोनों को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 3i + 2j + 7i + 9j। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10i + 11j। क्लियर। अगर R1 - R2 निकालना है, R = R1 - R2 निकालना है, तो इसमें क्या होगा, I में I वाले सब्ट्रैक्ट होंगे और J में J वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। तो R1 कितना है आपका, 7i + 9j। ये हो जाएगा 3i + 2j - 7i - 9j। तो ये कितना हो जाएगा, -4i - 7j। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डॉट एंड क्रॉस, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एक वेक्टर ए है, ये ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी है, तो मल्टीप्लिकेशन कितने तरह के होंगे, मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है डॉट, दूसरा होता है क्रॉस। ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया और वो हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो वेक्टर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ओके, इनके बीच में एंगल हो गया थीटा, इनके बीच में एंगल हो गया थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, दैट इज द मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर क्लियर। तो यहां से अगर मुझे पता चल रहा है कि अगर एक वेक्टर ए इस साइड है और दूसरा वेक्टर बी भी इधर ही है, बी भी इस साइड ही है, ठीक है, तो एंगल थीटा इनके बीच में एंगल थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया क्या। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू बेटा होती है 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज द मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। क्लियर। ओके, अगर आई वेक्टर इस साइड है, आई वेक्टर, आई इज व्हाट, आई इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये भी दूसरा आई वेक्टर इस साइड है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई डॉट आई, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, सबसे पहले ये देखिए, इनके बीच में एंगल हुआ थीटा इक्वल टू 0, तो दैट इज द आई मॉडुलस ऑफ आई इंटू कॉस 0। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ आई कितना हो गया 1, इसका मॉडुलस हो गया 1, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो 1 × 1 × 1 दैट इज 1। तो आई डॉट आई कितना हो गया, आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1, याद रहेगा। ठीक है, अभी आई डॉट जे कैसे कितना होगा, दिस द आई दिस द जे, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया क्या बेटा, अरे एक्स एक्सिस ये होता है ना, एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है, आई इस साइड है तो ऑफकोर्स जे इस साइड होगा, तो एंगल कितना हो गया इनके बीच में, 90 डिग्री हो गया। तो आई डॉट जे कितना हुआ, आई डॉट जे इक्वल टू कितना हुआ, मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, तो ये 1 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 × 1 × 0, दैट इज द 0। आई डॉट जे हो जाएगा आपका 0।
अब ये आई है, दिस इज द आई, और इस साइड, ये इस साइड यूनिट वेक्टर है आई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और दिस इज द जे कैप, एंड इस साइड जो यूनिट वेक्टर है दैट इज द के कैप। हमें पता चल गया आई डॉट आई वन होता है, तो सिमिलरली जे डॉट जे भी वन ही होगा ना, जे डॉट जे भी वन होगा और के डॉट के भी वन होगा, के डॉट के भी वन ही होगा, ठीक है। आई डॉट जे जीरो हुआ, आई डॉट जे जीरो क्यों हुआ, बिकॉज इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आई डॉट जे आ जाता है आपका मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू कॉस 90 डिग्री, जो कि जीरो वैल्यू दे देता है, ठीक है। सिमिलरली जे डॉट के कितना हुआ, देखिए अब क्या हुआ, दिस द एक्स एक्सिस, अब यहां पे देखिए दिस द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड एक्स और वाई से दोनों से परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, शायद क्लियर हो पा रहा होगा आपको। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, 90 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्स, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, एंड जेड एक्सिस, अगेन 90, ठीक है। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस, अगेन 90। तो यानी ये तीनों लाइन म्यूचुअली एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो किसी का भी डॉट प्रोडक्ट लोगे, आई डॉट जे लोगे तो वो भी जीरो आएगा, जे आई डॉट के लोगे तो वो भी जीरो आ जाएगा, बिकॉज दे आर 90, एंड जे डॉट के लोगे तो वो भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कह सकता हूं कि आई डॉट आई तो वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, लेकिन आई डॉट जे जीरो हो गया, सिमिलरली जे डॉट के भी जीरो हो गया, और सिमिलरली के डॉट आई भी जीरो ही होगा। क्लियर? क्लियर है? ओके। तो मेरे पास अभी मुझे याद क्या रखना है, मुझे ये याद रखना है आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे भी वन होता है, एंड के डॉट के भी वन ही होता है, ठीक है। लेकिन आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, ये जीरो होता है, ठीक है। अब एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ठीक है। और वेक्टर बी नॉट इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। मैं क्या चाहता हूं यहां पे, मुझे निकालना है व्हाट इज द ए नॉट डॉट बी नॉट, ए नॉट वेक्टर ए नॉट डॉट वेक्टर बी नॉट, तो ये कितना हो जाएगा ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो कितना जाएगा ए वन बी वन, आई डॉट आई हो जाएगा वन, आई डॉट आई हो जाएगा आपका वन, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसमें करेंगे तो ए टू बी वन जे डॉट आई आएगा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे डॉट आई, जीरो, तो उसको मैं डायरेक्ट जीरो लिख सकता हूं, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो के डॉट आई आएगा, और के डॉट आई भी जीरो होता है, तो अगेन जीरो, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो आई डॉट जे आएगा, ए वन बी टू आई डॉट जे, तो आई डॉट जे जीरो होता है, तो उसको मैं जीरो पुट कर देता हूं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे कितना हो जाएगा ए टू बी टू जे डॉट जे, तो जे डॉट जे हो जाएगा वन, तो इसको मैंने यहां पे वन कर दिया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे के में, तो अगेन जीरो आ जाएगा। सिमिलरली अब इसको इसको फॉलो करेंगे यहां पे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो आई डॉट के हो जाएगा जीरो, जे डॉट के भी जीरो हो जाएगा, और के डॉट के हो जाएगा आपका वन, तो ये हो जाएगा ए थ्री बी थ्री। वैल्यू क्या है,
ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ठीक है, अब इसमें देखिए कहीं पर भी आई जे के नहीं है, तो ये जो क्वांटिटी आई वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड आया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि जो आउटकम आएगा आपका वो स्केलर क्वांटिटी आती है। ओके, ठीक है, तो इस रिजल्ट को याद रखना है। तो अगर ए इक्वल टू दिस है एंड बी इक्वल टू दिस है, और अगर आपको उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर ए नॉट डॉट बी नॉट करना है, तो यहां से क्या करोगे, आई आई वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए वन बी वन, जे जे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए टू बी टू, एंड के के वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए थ्री बी थ्री। आई आई वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे जे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, के वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, इसको आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, और नीचे वाला ये भी याद रखना है। ओके, 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 यहां से एक आइडेंटिटी आपको और याद रखनी है। अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, एक वेक्टर है ए दूसरा वेक्टर है बी, और ये इनके इनके बीच में एंगल है 90, तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो ए मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस 90, तो वट एवर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना भी बढ़ाओ, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो वो उसको ओवरऑल उस वैल्यू को जीरो बना देगी। ठीक है, तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है जीरो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ए एंड बी दो वेक्टर हैं जो परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ओके, तो अभी इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपसे ये बोला कि वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर ए गिवन है इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू है थ्री आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस फाइव के कैप। ठीक है, ये दे रखे हैं दो वेक्टर, कह रहा है इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अभी क्या करोगे आप, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ले लिया, तो कितना हो जाएगा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के डॉट थ्री आई प्लस लैम्डा जे प्लस फाइव के प्लस फाइव के, और इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, आई आई वाले मल्टीप्लाई होंगे थ्री प्लस 2 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो। तो 2 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया माइनस 9। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर लैम्डा इक्वल टू माइनस 9 ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ओके, एक क्वेश्चन कीजिए।
एक इक्वल टू गिवन है आपको 2i प्लस 3j माइनस 7k, ठीक है, एंड b इक्वल टू गिवन है आपको 7i प्लस 9j प्लस म्यू के, ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच a इज परपेंडिकुलर टू b? म्यू की वैल्यू बतानी है आपको जिसके लिए a b के परपेंडिकुलर हो. तो अगेन डॉट प्रोडक्ट आप इसका जीरो कर देंगे. ओके, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 प्लस 27 माइनस 7 लैम म्यू एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया 41 बाई 7. For mu equal to 41 by 7, this vector is perpendicular to b. या फिर ऐसा कह सकते हैं a and b are mutually perpendicular. Okay, कल हमने एक part resultant वाला छोड़ दिया था, ठीक है. आज उसको addition of the vector में था, आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और दिस इज द वेक्टर बी. एंगल उनके बीच में कितना आ गया अल्फा. एंगल इज अल्फा, ठीक है. तो इसका रिजल्टेंट क्या होता था बेटा, इसके रिजल्टेंट के लिए क्या होता था, आप इस साइड इसको इस वेक्टर को पहले कर लो, ठीक है. तो ये वेक्टर बी था, तो ये वेक्टर बी हो गया और दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर सी एंड सी इज व्हाट, सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है. ये अल्फा नहीं लेते हैं, इसको ले लेते हैं थीटा, ठीक है, इसको थीटा एंगल ले लेते हैं. तो अगर ये एंगल थीटा हो गया तो यहां पर ये एंगल भी थीटा हो गया ना, ठीक है. अभी मुझे निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी एंड व्हाट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर ए अल्फा. मुझे ये दोनों वैल्यू निकालनी है. तो ये देखिए बेटा, ये बी है क्या, ये बी है, ठीक है. इस पॉइंट से अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट बी कॉस थीटा. क्लियर है, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका b cos थीटा और ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा b sin थीटा. b sin थीटा. तो व्हाट इज दिस लेंथ, दिस लेंथ इज a, यहां से यहां तक लेंथ क्या होगी a प्लस b cos थीटा और ये लेंथ हो गई आपकी b sin थीटा. तो ट्रेंगल का ये लेंथ हो गई a प्लस b cos थीटा और ये हो गई b sin थीटा. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट सी, सी का जो मैग्नीट्यूड होगा अब वो पाइथागोरस से लगा दोगे अंडर रूट ऑफ दिस लेंथ का स्क्वायर प्लस दिस लेंथ का स्क्वायर, दिस लेंथ का स्क्वायर. क्योंकि ये लेंथ कितनी है, ये है आपकी a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है. तो c इक्वल टू क्या आ गया, अभी यहां पे अंदर इसके अंडर रूट स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस a b cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. क्लियर,
इस पार्ट को, इस पार्ट को कलेक्ट कर लो, तो कितना हो गया यहां पे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट सी, सी इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, एंगल अल्फा क्या हो जाएगा, तो फिर से इस ट्रायंगल पे जाइए, फिर से इस ट्रायंगल पे जाइएगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, तो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओ, शायद दिख नहीं रहा आपको, एक मिनट इस साइड, मेरे को एंगल अल्फा निकालना है, तो टेन अल्फा इक्वल टू, टेन अल्फा इक्वल टू, टेन अल्फा इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा इक्वल टू व्हाट, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स b sin theta upon a plus b cos theta। पाइथागोरस का यूज किया है ना, राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज की और पाइथागोरस का यूज किया है, तो मुझे रिजल्टेंट मिल गया एन एंगल अल्फा मिल गया। बेटा ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ये दोनों आपको फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है आपको, ठीक है, बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी तो आपको याद रखना है। ओके, अभी है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, अगर एक वेक्टर ए ये है, दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी, ठीक है, तो आपने ए डॉट बी के बारे में पढ़ लिया है, आपको मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि ए डॉट बी क्या था, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अभी हम पढ़ रहे हैं ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, तो अब देखिए अगर क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है तो यहां पे ए क्रॉस बी है, ठीक है, तो ये क्रॉस देख रहे हो, डॉट लगा था तो क्या था, डॉट प्रोडक्ट था, क्रॉस लगाया तो वो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, इसका जो आउटकम आएगा बाहर, इस यहां से जो क्रॉस प्रोडक्ट होकर वैल्यू आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी यानी उसमें एक मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका एक डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, तो ए क्रॉस बी क्या हुआ, दैट इज द मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, और ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो यहां पे साइन थीटा आता है, ठीक है, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। अभी डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए आपको राइट हैंड रूल का यूज करना पड़ेगा, तो अपने दाहिने हाथ को उठाइए, ठीक है, ये है ए, अब देखिए डायरेक्शन कैसे निकालना है इसको समझिए, ये है ए, वेक्टर ए है और ये है बी, ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालना है, ए में बी का क्रॉस निकालना है, ठीक है,
बी क्रॉस ए नहीं निकालना, तो जिसमें जिसका, तो जो पहले आ रहा है, तो अपने हाथ को यू कीजिए और आपके आपका ये जो थम है, थम के नीचे का ये पॉइंट होता है यहां पर, इस साइड एक पॉइंट है, उसको इन दोनों के टेल पे जहां कंबाइंड हो रहा है वहां पे रखो, ठीक है, और उंगलियों को आप एक ही डायरेक्शन में रखो और उंगलियों को मोड़िए और एक्यूट एंगल से, जो छोटा एंगल है उससे बी की तरफ जाए ये, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, रिजल्टेंट का डायरेक्शन थम का डायरेक्शन है, वो ए से भी और बी से भी परपेंडिकुलर है, देखिए ए से भी परपेंडिकुलर है वो, ये डायरेक्शन आया क्या, वो ए से भी परपेंडिकुलर है एंड बी से भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे आप, यहां पे आपने यूं हाथ रखा ए पर, ठीक है, और एक्यूट एंगल से, जो छोटा एंगल है उधर से आप बी की तरफ गए, तो डायरेक्शन ऑफ थम इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो ए क्रॉस बी इस केस में कैसे आया, ए क्रॉस बी इस केस में आया बाहर की तरफ, ठीक है, तो बाहर की तरफ जो हम साइन होता है तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी बी क्रॉस ए निकालना है, मान लो बी क्रॉस ए निकालना है, तो अभी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए इंटू साइन थीटा, अब बी क्रॉस ए निकालना है तो इसका मतलब बी से ए की तरफ जाओगे आप, बी से ए की तरफ जाओगे, तो ये अंदर की तरफ हो गया क्या, बी क्रॉस ए, तो बी से ए की तरफ जा रहे हो तो इनसाइड द प्लेन हो गया, तो इनसाइड हो गया तो अंदर की तरफ हो गया, ओके ओके, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द बी, ए क्रॉस बी कैसे आया, ए क्रॉस बी आया इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो दिस इज द ए क्रॉस बी, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द ए क्रॉस बी, एंड ए क्रॉस बी अगर आप देख रहे हो तो इसके भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है एंड बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी जो ये रिजल्टेंट आया, दिस इज द ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मॉडुलस होगा ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, ठीक है, तो वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा, बी से भी परपेंडिकुलर होगा, तो यहां से अगर मैं वेक्टर सी लिख देता हूं, वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो दिस इज द वेक्टर सी ना, यही तो हुआ वेक्टर सी, ठीक है, तो सी आपका वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू ए होगा एंड वेक्टर सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी होगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो ए से भी परपेंडिकुलर होता है और बी से भी परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी यही तो आया ना, सी सी ए आया, तो वो ए से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी परपेंडिकुलर है, ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ क्या बेटा, जो लोग लैपटॉप पे हैं वहां पे एक ऑप्शन चैट का आ रहा होगा, वहां पे आप हाँ या ना लिख के बोल सकते हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या आपको, ओके तो सी इज व्हाट, वेक्टर ए क्रॉस बी हुआ, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि आई जे के में क्रॉस कैसे काम करता है, दिस इज द आई, दिस इज ऑल्सो आई, आई दिस इज द आई, दिस इज द आई, तो आई क्रॉस आई कितना हो गया, मॉड ऑफ आई इंटू साइन जीरो डिग्री, ये जीरो हो गया, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो आई क्रॉस आई कितना हो गया बेटा, आई क्रॉस आई हो जाता है आपका जीरो, सिमिलरली जे क्रॉस जे भी जीरो हो जाएगा और सिमिलरली के क्रॉस के भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, दिस इज, अब आई क्रॉस जे की वैल्यू निकालता हूं मैं यहां पे, आई क्रॉस जे की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, दिस इज द आई, दिस इज द जे, तो आई क्रॉस जे क्या हुआ, आई क्रॉस जे बाहर की तरफ आया, तो आई क्रॉस जे क्या हुआ, मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू साइन, आई और जे के बीच में कितना एंगल आया, आई और जे के बीच में आता है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो गया, और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आई क्रॉस जे का डायरेक्शन दिस इज द के, ठीक है, तो यहां पर लिख दिया के, ठीक है, मॉडुलस ऑफ आई हो गया 1, मॉडुलस ऑफ जे भी हो गया आपका 1, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू तो हो गई 1, ये हो गया के कैप, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, के कैप,
तो I क्रॉस J इक्वल टू कितना हुआ K कैप, वेक्टर I क्रॉस J इक्वल टू आपका K कैप। अब J देखो I क्रॉस J K हुआ तो J क्रॉस I कितना होगा माइनस K होगा क्या, J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K, देखिए ना दिस इज द I दिस इज द J दिस इज द I दिस इज द J, तो J क्रॉस I तो J से अभी J क्रॉस I अगर आपने किया तो J से I की तरफ जाओगे ना तो थंब का डायरेक्शन क्या हुआ, थंब का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन हुआ तो दैट इज द माइनस K। क्लियर हो गया। तो अभी आपने शायद देख रखा होगा मटेरियल में वहां पे है भी, तो ये यहां पे ऐसे आई जे के इस तरह से लिखा हुआ है और ये इस तरह से सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे किया तो वो आता है आपका के, आई क्रॉस जे इसको याद रखना है बेटा आपको, इस पॉइंट को आपको इस वाले फिगर को याद रखना है, ठीक है। ये आपको बहुत ही सिंपली यानी हेल्प करता है याद रखने में सॉल्यूशन निकालने में। तो आई क्रॉस जे कितना आएगा के आया, जे क्रॉस के कितना आएगा तो फिर वो आई आ जाएगा, ठीक है। जे क्रॉस के कितना आ जाएगा आई आ जाएगा, के क्रॉस आई कितना आएगा के क्रॉस आई इक्वल टू आ जाएगा, के क्रॉस आई इक्वल टू आ जाएगा जे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है अभी J क्रॉस I कितना आया, J क्रॉस I तो J क्रॉस I अब आप इस एरो के अपोजिट जा रहे हो ना, इस एरो के J क्रॉस I तो इस एरो के अपोजिट जा रहे हो तो दैट इज द माइनस K, एरो के अपोजिट जाएंगे तो जहां पे पहुंच रहे वो वैल्यू रखेंगे उसके साथ माइनस रख देंगे। सिमिलरली I क्रॉस K कितना हुआ, I क्रॉस K इक्वल टू माइनस जे, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, ठीक है। एंड के क्रॉस जे कितना हुआ, के क्रॉस जे इक्वल टू आ गया आपका माइनस आई, ये याद रखना है आपको। ये आपको याद रखना है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत कम आएगा। ओके अभी मान लीजिए दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए ए नॉट इक्वल टू दे रखा आपका ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू आपको दे रखा है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ठीक है। और वेक्टर बी नॉट आपको दे रखा है, बी नॉट इक्वल टू दे रखा है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, बी थ्री के कैप, ठीक है। तो आपको ए नॉट क्रॉस बी नॉट निकालना है, ए नॉट क्रॉस बी नॉट। तो बेटा एक तो इसका ये तरीका है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, एक शॉर्टर वे भी है, छोटा तरीका भी है, उसको डिटरमिनेंट मेथड कहते हैं, तो उसको सीखना जरूरी है, तो उसको डिटरमिनेंट मेथड सिखा रहा हूं। तो डिटरमिनेंट मेथड में आप दो लाइन ऐसे वर्टिकल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, और फिर ऊपर लिख लोगे आई जे के, आई जे के, आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप। इसको सीखना है, इसको सीखना है बस आपको। अभी ऐसा क्यों मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, बस ऐसे ही किया जाता है, उसमें नहीं जाना है अंदर, मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका ही वही है, तो वो उस वे को सीखना है जिससे आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर सको। तो आपने आई जे के लिखा, अभी ए नॉट है क्या, तो ए नॉट की सारी वैल्यूज लिख दो, आई के नीचे
आई वाला मल्टीप्लाई लिखोगे जे के नीचे जे वाला मल्टीप्लाई लिखोगे, के नीचे के वाला मल्टीप्लाई लिखोगे, तो ये हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री। क्लियर। अब बी वाला उठाएंगे तो यहां पे लिख देंगे बी वन बी टू बी थ्री। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं। ओपन करने का मतलब इस यहां भी ये ब्रैकेट में एक फॉर्मेट में रखा हुआ है, फॉर्मेट का मतलब अब उसको लीनियर सॉल्यूशन में ला रहे हैं। तो लीनियर सॉल्यूशन किस तरह से लाया जाता है वो देखिए, पहले आप आई को पकड़ोगे, आई लिया आपने, अब आई का रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम को छोड़ दोगे, रो एंड कॉलम को छोड़ दोगे तो यहां पे क्या हुआ, ये हो गया रो ये हो गया कॉलम, तो रिमेनिंग डाटा ये चार बचे हैं क्या, तो उनको आप लिख लोगे, तो उनको आप लिखोगे तो छोटा डिटरमिनेंट हो गया, कितना हो गया वो ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री। ठीक है, अब जे की जगह यहां पे रखेंगे माइनस जे, माइनस जे आता है यहां पे, ठीक है, प्लस जे नहीं आएगा माइनस जे आएगा, तो माइनस जे को जब आपने यहां पे लिखा तो अभी जे का रो एंड कॉलम को छोड़ देंगे आप, ये उसका रो हो गया ये उसका कॉलम हो गया, इनको छोड़ देंगे, रेस्ट ऑफ एलिमेंट को यहां पे लिख लेंगे, ए वन बी वन ये दोनों बचे और ये बचा ए थ्री बी थ्री, तो जिस जिस वे में आ रहे हैं उसी वे में उसको लिखेंगे, पहले पहले वाले लिखे जाएंगे बाद में बाद वाले लिखे जाएंगे। अब प्लस के कैप कीजिए, के कैप किया आपने तो के का रो एंड के का कॉलम छोड़ देंगे, तो ये चार बचे हैं क्या, इन चार को उठा के यहां पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ए वन बी वन ए टू बी टू, इतना हुआ। ठीक है, ठीक है, अब फिर से इसको ओपन करेंगे, तो फिर से ओपन करने के लिए क्या करोगे, आई अभी क्या करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सिमिलरली यहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री माइनस जे कैप। अब जे कैप में क्या जाएगा ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री, के कैप ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, तो दिस इज द ए क्रॉस बी। ठीक है, कुछ बच्चों को डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है, मुझे तो नहीं याद होता, ठीक है, मैं यहां से ही सॉल्व करता हूं हमेशा है, लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लीजिए, अदरवाइज आपको ये तो याद ही रहेगा ना, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है उसका। ओके, साफ कर दो ना इसको। थ्योरी का मैक्सिमम पार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन वाला पार्ट देखते हैं। ओके, मैं यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं आपको, जैसे मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दे रखा है, वेक्टर जैसे ये एक्स आई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मैं सिखा रहा हूं आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए यहां पे आपको एक वेक्टर दे रखा है, दिस इज द वेक्टर ए, और वेक्टर ए इज व्हाट, सेवन आई कैप, तो मान लो ये सेवन आई कैप है, क्लियर, सेवन आई कैप है क्या ये,
ओके तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 7 और आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, आई कैप हो गया डायरेक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, तो मैं बोल दूंगा विदाउट डाउट आप मुझे बता सकते हैं सर यूनिट वेक्टर तो आई कैप है, ठीक है। मैं कहूंगा इस वेक्टर का मॉडुलस कितना है, तो आप क्या कहोगे सर मॉडुलस इस वेक्टर का 7 है। क्लियर, इसका जो मॉडुलस है वो है 7, ठीक है। तो आप, मैं पूछूंगा कि आपने ये यूनिट वेक्टर आई कैसे निकाला, तो आप क्या करोगे वेक्टर ए को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे। अगर वेक्टर ए को उसके मॉडुलस यानी उसकी लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो आपको जो वेक्टर मिलेगा दैट इज द यूनिट वेक्टर आई कैप। देखो कैसे 7 आई कैप बाई 7 दैट इज द आई कैप। क्लियर, क्या क्लियर? 7 आई कैप बाई 7 दैट इज द आई कैप, ठीक है। अगर इस साइड वेक्टर दे रखा है 9 जे कैप, तो आपने क्या किया 9 जे कैप को उसके मॉडुलस 9 से डिवाइड कर दिया तो जे कैप मिल गया, तो ये यूनिट वेक्टर मिल गया आपको जे कैप। जे कैप मिल गया आपको, ठीक है। ओके इतना क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ था ही नहीं। तो अगर एक वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर ए आपको गिवन है, और मैंने कहा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताओ, तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो उसका यूनिट वेक्टर बताना है तो आप कैसे करोगे? आपने कहा कि वेक्टर ए को मैं उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दूंगा तो आपको वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज व्हाट? व्हाट? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, दैट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ठीक है तो अगर आपको वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए गिवन है आपको 3i + 4j, तो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ए? मॉडुलस ऑफ ए इज द अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो दैट इज द 9 + 16 कितना हुआ 25, अंडर रूट 25 एंड दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5। तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए बाय मॉडुलस ऑफ ए एंड दैट इज द 3i + 4j / 5। दिस इज द, आपको शायद दिख नहीं रहा है, यहां से फिर से लिखता हूं मैं, यूनिट वेक्टर इज व्हाट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा आप उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे, तो दिस इज व्हाट 3i + 4j / √5। दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपका 3/5i + 4/5j। ठीक है। अब अगर आप इसका मॉडुलस निकालोगे तो देखिए 1 आएगा, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो आप 1 आएगा, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/5 का स्क्वायर + 4/5 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है आपका, ये आएगा आपका, ये आएगा आपका 9/25 + 16/25 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 9 + 16/25 का अंडर रूट एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर की डायरेक्शन में तो आप उसके वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे, आपको जो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ओके
यूनिट वेक्टर निकालना समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। बेटा कुछ बोलते रहा करो या फिर कुछ टाइप करते रहा करो, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप कुछ समझ में आ रहा है। यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, ओके। ओके अब यहां पे हम दो चार चीजें देख रहे हैं। एप्लीकेशन डॉट एंड क्रॉस का एप्लीकेशन निकालना सीख रहे बेटा। वो जो थ्योरी वाला पार्ट था वो तो आप बुक से भी पढ़ लेते तो सब कुछ क्लियर हो जाता, उसको अप्लाई कैसे करना है ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो अभी जैसे अभी देखो मैं क्वेश्चन के थ्रू ले रहा हूं, जो भी मैं सिखा रहा हूं उसे एज ए क्वेश्चन सिखा रहा हूं, ठीक है। तो अभी यहां पर देखिए एक वेक्टर मान लीजिए दे रखा है ऐसे 7i कैप प्लस 9j कैप, ये मान लो एक वेक्टर r दे रखा है, ठीक है। दिस वेक्टर r इक्वल टू व्हाट 7i कैप प्लस 9j कैप, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस i कैप, ठीक है। तो अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, तो मैंने अगर पूछा कि इस वेक्टर r का x कंपोनेंट क्या है, तो x कंपोनेंट यही प्रोजेक्शन तो हुआ ना, ये वाला प्रोजेक्शन x कंपोनेंट, तो वो कितना हो जाएगा, वो आता है 7, 7 आया क्या। और उसका y कंपोनेंट कितना है, उसका y कंपोनेंट है 9, ठीक है, ओके। अब यहां पे एप्लीकेशन क्या है, इसमें एप्लीकेशन समझ गए। एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर था वो था आई कैप, ठीक है। मुझे जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिसकी डायरेक्शन में निकालना है, तो यहां पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में निकालना है ना, तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से। आपको इसका प्रोजेक्शन यहां पे 7 आंसर मुझे पता है, ठीक है, तो मैं आंसर पे नहीं जा रहा हूं, मैं उसका एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं जिसका एप्लीकेशन फर्दर क्वेश्चंस में बहुत अच्छा होता है। जैसे आर वेक्टर है आपका, ठीक है, तो आर का आपको प्रोजेक्शन निकालना है एक्स एक्सिस में जो कि 7 है, मुझे पता है, लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है। अगर आप आर का प्रोजेक्ट, आर का जो डॉट प्रोडक्ट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है। तो अगर आप आर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ ले लोगे तो आपको आई की डायरेक्शन में उस वेक्टर का प्रोजेक्शन मिल जाएगा जो कि 7 है। तो व्हाट इज द आई, आई इज द 7i कैप प्लस 9j कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लिया आपने आई के साथ, तो व्हाट इज द आई डॉट आई, 7, और व्हाट इज द आई डॉट जे, अगेन 0, तो ये कितना हो गया, 7 आ गया क्या एक्स कंपोनेंट, 7 आ गया, ठीक है। तो आपको अगर एक वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, तो आप उस दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, और फिर उस यूनिट वेक्टर से आप उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो इस आर का वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन हुआ, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हुआ, जे कैप। तो आपने क्या किया, तो 7i कैप प्लस 9j कैप डॉट जे हो गया 0 और ये हो गया 9, ये हो जाएगा 9, शायद वहां से दिख नहीं रहा है। तो r इज द 7i कैप प्लस 9j कैप, तो यहां से आपने डॉट प्रोडक्ट लिया j के साथ, ये हो जाएगा 0 प्लस 9। तो ये प्रोजेक्शन क्या आ गया इसका, इसका इसका कंपोनेंट या प्रोजेक्शन अलोंग द जे एक्सिस इज 9 था ना, वो 9 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल, अभी क्या है कि अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है। अभी इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एक वेक्टर हो गया R1,
आर वन इक्वल टू टू आई कैप प्लस सेवन जे कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर हो गया आर टू, आर टू इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप, दो वेक्टर हो गए। अब मैंने कहा कि इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के अलाउंड, यानी इसका प्रोजेक्शन, तो क्या करोगे प्रोजेक्शन, ये आएगा ना प्रोजेक्शन, ये लेंथ बतानी है आपको। तो व्हाट इज द वे, इस वेक्टर के अलाउंड निकालना है ना इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, तो इस वेक्टर का यूनिट यूनिट वेक्टर मुझे पहले चाहिए होगा। तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ आर टू इन द डायरेक्शन ऑफ आर टू इज आर टू बाई मॉडुलस ऑफ आर टू, ठीक है। तो दैट इज अ थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप डिवाइडेड नाइन प्लस फोर, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप डिवाइडेड बाई नाइन प्लस फोर हो गया अंडर रूट थर्टीन। ठीक है, ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर टू। अब इसका प्रोजेक्शन इसके डायरेक्शन में निकालना, तो आप क्या करोगे, अब इसका डॉट प्रोडक्ट उसके यूनिट वेक्टर के साथ ले लोगे, तो कितना आ जाएगा टू आई कैप प्लस सेवन जे कैप डॉट यूनिट वेक्टर, क्या हो गया आर टू बाई मॉडुलस ऑफ आर टू, तो टू आई कैप प्लस सेवन जे कैप डॉट थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप डिवाइडेड बाई डिवाइडेड अंडर रूट थ्री। तो व्हाट इज द आई डॉट आई, सिक्स सिक्स एंड जे डॉट जे इज फोर्टीन बाई अंडर रूट थर्टीन, तो दैट इज द ट्वेंटी बाई अंडर रूट थर्टीन। तो प्रोजेक्शन ऑफ आर वन एलॉन आर टू इज, तो ये लेंथ कितनी आ गई, प्रोजेक्शन ऑफ आर वन एलॉन आर टू इज दिस लेंथ एंड दैट इज अ 20 बाई अंडर रूट 13। ठीक है, ओके, ये लेक्चर आपके YouTube पे डाल दिए जाएंगे, आप वहां से एज ए रिविजन ले सकते हो। क्लियर, ओके, आज का होमवर्क ले लीजिए। अब फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर वन थ्री आई प्लस टू जे, आर टू इक्वल टू हो गया आपका सेवन आई प्लस नाइन जे, ठीक है, प्लस टू के, ठीक है, प्लस नाइन के, ठीक है। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट आर वन आर टू, आर वन क्रॉस आर टू, ये प्रैक्टिस है एक्चुअली में, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपने जो पढ़ा है आज उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उस हिसाब से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं, ठीक है। व्हाट इज द आर वन माइनस आर टू क्रॉस आर वन प्लस आर टू, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज द आर वन माइनस आर टू डॉट आर वन प्लस आर टू, ये चार क्वेश्चन करने। चलिए गुड डे, करके रखिएगा। आपकी मैथ्स की क्लास संडे को होगी, ठीक है, आपकी मैथ्स लॉकडाउन की वजह से मैम आ नहीं पा रही हैं, तो संडे से थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, तो संडे से होगी। चलिए गुड डे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।